गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स की टेस्ट सीरीज में आज हम करेंगे टेस्ट 5 का सॉल्यूशन। और ये जो पूरा टेस्ट है बेस्ड होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर में देखो आपके सिलेबस में तीन तरह के फॉर्मूले हैं बेसिकली। एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं सारी डिटेल बताऊंगा आज इसके अंदर। एक आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूले से ही एक फॉर्मूला बना है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये कोई नया नहीं है, सेक्शन फॉर्मूले से बना है, बट मैं आपको इसको अलग से बताऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना रहे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और फोर्थ आता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में अब की बार है नहीं, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम का 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि 7.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से हटा दी गई है। कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहले तीन फॉर्मूले आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, तो आज के जो ये टेस्ट है टेस्ट नंबर 5, इसमें हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूले की, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके सेक्शन फॉर्मूला में, ताकि एक टेस्ट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन करने को मिल जाए और आपकी उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो पहले मैं बात करता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले की, बहुत डिटेल के अंदर हम इस फॉर्मूले को समझने वाले हैं। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको कोई भी दो पॉइंट गिवन होंगे और कहेगा उनके बीच की डिस्टेंस निकालो। आप आदत डाल लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जब भी आपको दो पॉइंट कंसीडर करने हो या मानने हो तो आप एक को मानो x1, y1 और दूसरे को मानो x2, y2। इससे आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी पॉइंट आप मानोगे तो हमेशा ये मानो ए बी, अपने को इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ए और बी पॉइंट के बीच की, तो उसको क्या नाम देते हैं हम ए बी। ए बी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अंडर रूट लगा दो, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। पहले देखो यहाँ पे जो ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को, किसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। इनको आपस में माइनस कर दो, चाहे एक्स वन में से एक्स टू माइनस कर दो, चाहे एक्स टू में से एक्स वन माइनस कर दो, और इसका क्या कर दो फिर स्क्वेयर कर दो। मैंने ऐसा क्यों कहा कि एक्स वन में से एक्स टू करो या एक्स टू में से एक्स वन, जैसे मान लो ये पॉइंट है 2, 3 और ये पॉइंट है 4, 7, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को 2 में से 4 माइनस करके उसका स्क्वेयर करो या फिर 4 में से 2 माइनस करके उसका स्क्वेयर करो। आंसर तो सेम ही आना है, ये -2 का स्क्वेयर होगा और ये +2 का स्क्वेयर होगा, लेकिन स्क्वेयर में चाहे अंदर वैल्यू माइनस की हो चाहे प्लस की, आंसर तो किसका आता है, प्लस का ही आता है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स वन में से एक्स टू को माइनस करो या एक्स टू में से एक्स वन को, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर बीच में क्या लगाओ, प्लस का साइन और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वेयर। ये आपका होता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और सभी क्वेश्चंस के अंदर आपका यही फॉर्मूला काम आने वाला है। देखो आपको दो पॉइंट दिए होंगे मान लो 2, 3 और एक पॉइंट है आपका मान लो 4, 6, और आपसे कहेगा कि ए बी डिस्टेंस निकालो, ए बी कितनी है। मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। देखो आप क्या किया करो, जो एक्स वाली वैल्यू है ना उनको आप अंडरलाइन कर लो, इन दोनों वैल्यू को आपको माइनस करना है, ठीक है। 2 और 4 का आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। 4 और 2 दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो आप इसको क्या लिख दो, 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगा दो बीच में। फिर जो वाई वाली वैल्यू है 6 और 3, उनका डिफरेंस यानी कि 6 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर, आंसर कितना आ गया आपका, 2 का होल स्क्वायर 4 और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 प्लस 9 कितना होता है, √13। √13 यूनिट्स इसको बोलते हैं। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। लेकिन जब दोनों पॉइंट प्लस प्लस के होते हैं सारी की सारी वैल्यू, तब तो बच्चे कर लेते हैं, जैसे ही माइनस एंट्री करता है ना तो वहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2, -3 और मान लो मैं कहूँ 5, -5, 4 ऐसे दे दूँ मैं, और अब कहूँ कि ए बी निकाल के दिखाओ। अब आप बस मेरे को ये बता दो कि जो एक्स एक्स वाली वैल्यू है, एक ये 2, एक ये -5, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। देखो एक नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। 2 कहाँ पे होगा, 1, 2 इधर होगा, और -5 कहाँ पे होगा, -1, -2, -3, -4 और -5 यानी कि 0 की लेफ्ट साइड में होगा। अब आप खुद सोचो कि ये 2 पॉइंट है और ये -5 है, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये कितने पॉइंट्स की है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 कदम चलना पड़ा हमारे को, तभी तो हम -5 से खड़े हैं
टू पे कब पहुंचेंगे, जब हम 7 स्टेप आगे चलेंगे। तो बस आपको क्या करना है, वही 7 का आपको यहाँ पे स्क्वेयर करना है, ठीक है। 7 का क्या करना है स्क्वेयर, इसी तरह से आप देखो, ये 4 है, ये -3 है, एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है। जब भी साइन ओपोजिट हो ना, तो आप दोनों नंबर्स को क्या कर दिया करो, ऐड कर दिया करो, ठीक है। जैसे 2 का साइन प्लस का था, इसके आगे साइन क्या है, माइनस का, तो आप साइन को भूल जाओ और 2 और 5 को क्या कर दो, प्लस कर दो। 2 और 5 कितने होते हैं, 7, 7 का स्क्वायर। ऐसे ही इसमें इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, आप साइन को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, और दोनों को क्या कर दो, प्लस। 4 + 3 कितना होता है, 7, 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 + 49। 49 + 49 को मैं 49 × 2 लिख सकता हूँ। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि 49 का स्क्वेयर रूट कितना होता है, 7, 7 को मैं सीधा ही बाहर निकाल सकूँ और आंसर कितना आएगा मेरा, 7√2, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले में, एक और एग्जाम्पल देखो मैं आपको देता हूँ, इससे आपकी सारी डाउट्स जो है ना क्लियर हो जाएगी। मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसमें मैं लिख दूँ -4, -5 और इसमें लिख देता हूँ -3, 5, ये लिख दिया। अब बताओ ए बी डिस्टेंस आपकी कितनी होगी। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले आप एक्स वाली वैल्यू को ध्यान में रखो, इन दो वैल्यू को, ठीक है। इन दो वैल्यूज का साइन, इन दो नंबर्स का साइन या तो सेम होगा और या क्या होगा, ओपोजिट। ओपोजिट का मतलब एक के आगे प्लस का साइन, एक के आगे माइनस का साइन। अब आप खुद बताओ, ये -4 है, ये -3 है, दोनों के आगे साइन क्या है, आप कहोगे दोनों के आगे माइनस का साइन है, यानी कि सेम साइन है, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, ठीक है। अगर सेम साइन हो तो आप साइन को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, अपने माइंड में रखो ही मत कि इनके आगे कोई साइन भी है, ठीक है। बस आप सोचो एक नंबर 4 है और एक नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। जब साइन क्या हो, सेम हो, आप लिख लो ये बात, जब साइन सेम हो तो आपको क्या करना है, आपस में इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, ठीक है। यानी कि 4 में से 3 को क्या करना है, आपको माइनस करना है, कर दिया। फिर अगर साइन ओपोजिट हो, ओपोजिट का मतलब एक के आगे प्लस का साइन और एक के आगे क्या करना हो, माइनस का साइन, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। बस ये 2 पॉइंट लिख लो और पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला आपका सोल्व हो जाएगा। पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना डिस्टेंस फॉर्मूले के, आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब आप खुद बताओ, ये 5 है प्लस का, ये -5 है, दोनों के जो साइन है वो क्या है, ओपोजिट है, एक के आगे प्लस, एक के आगे माइनस, ओपोजिट है, तो क्या करोगे, साइन को भूल जाओ, इग्नोर कर दो। आप सिर्फ ये देखो, एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर भी क्या है, 5 है, और दोनों के साइन क्या है, ओपोजिट है। अगर साइन ओपोजिट है ना, तो इन दोनों को आप क्या कर दो, बस प्लस कर दो। यानी कि मैंने क्या बताया, अगर साइन ओपोजिट है तो प्लस प्लस करने हैं, और अगर साइन सेम है तो माइनस करने हैं, चाहे दोनों के आगे प्लस का साइन हो, चाहे दोनों के आगे माइनस का साइन हो, सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। बस यही है पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला, 1 का स्क्वेयर और ये 10 का स्क्वेयर, यानी कि 1 का स्क्वेयर 1, 10 का स्क्वेयर 100, तो आंसर कितना आ गया, 101 स्क्वेयर यूनिट्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे के ये बता दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त। अब एक स्पेशल बात आती है इसमें, ओरिजन। ओरिजन आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने 8th में 9th में बहुत पढ़ा होगा, ये पॉइंट होता है, ये क्या होता है आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होती है ये लाइन, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उनको हम, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजन। ओरिजन बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं या केंद्रक बोलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हमेशा ही क्या होते हैं, 0 0। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0। तो कभी भी आपका ओरिजन नाम आ जाए ना, तो आपको देख लेना है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा ही क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के पूछे जाने के। आपसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4 फ्रॉम ओरिजन, ओरिजन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो। आप खुद बताओ, ओरिजन भी तो एक पॉइंट ही होता है ना, बस उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ओरिजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। इस पॉइंट की डिस्टेंस हमारे को निकालनी है किससे, 3, 4 से, और डिस्टेंस फॉर्मूला तो अपने को पता ही है क्या होता है, ए बी डिस्टेंस। मैंने आपको क्या कहा था, एक्स वाली वैल्यू और एक्स वाली वैल्यू को आपस में देखो, इन दोनों के आगे साइन क्या है, सेम है, तो 3 में से 0 को चाहे माइनस करो और चाहे प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 3 का स्क्वेयर ही रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका, 4 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर सबको पता है 9 होता है, 4 का स्क्वेयर 16 होता है, यानी कि √25, और 5 इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो 5 यूनिट्स इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। लेकिन
पेपर में अगर मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ना कोई डायग्राम की जरूरत है बनाने की, ठीक है। आप डायरेक्ट कैसे करोगे, जहाँ पे भी आपको ओरिजिन वर्ड दिख जाए और किसी भी पॉइंट की आपको उससे क्या निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो, दूरी निकालनी हो, आप सीधा क्या क्या करो, अंडर रूट लगाओ, इस 3 का स्क्वायर 9, इस 4 का स्क्वायर 16, बस आंसर आ गया आपका कितना, 5, ठीक है। आपसे कोई कहे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4,3 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, तो मैंने आपको क्या बताया, आपको डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव या फिर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको एक या दो वर्ड में देना होता है उसमें आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर, क्या आएगा आंसर बताओ मेरे को, मैंने क्या कहा, कोई डायग्राम मत बनाओ, इस नंबर का स्क्वेयर कर दो, और मैंने आपको बताया था चाहे प्लस के 4 का स्क्वेयर करना हो चाहे -4 का स्क्वेयर करना हो, आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, 16 आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वेयर करोगे तो 9 आएगा, वही √25 यानी कि 5 क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस निकालनी हो तो साइन को देखो ही मत, बस सीधा 4 का स्क्वेयर + 3 का स्क्वेयर = आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपका आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सभी बच्चों ने देखो ये चैप्टर कुछ ना कुछ तरीके से तो पढ़ा ही होगा कभी, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम टेस्ट नंबर 6 करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूले का सीधा सीधा मतलब देखो ये है, एक पॉइंट है मान लो ए, एक पॉइंट है मान लो बी, इसके कोऑर्डिनेट है कितने मान लो 2,5 और इसके कोऑर्डिनेट है 4,3। आपसे कहेगा कि इस ए बी लाइन सेगमेंट का, ये एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। और ये ए बी क्या है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जिसकी फिक्स लेंथ हो, इसकी लेंथ फिक्स है, ए से लेके बी तक जाएगा बस ये, ठीक है। इसका अपने को मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट का मतलब होता है जो बिल्कुल ए और बी के बीचों बीच हो, यानी कि ए की डिस्टेंस सी से जितनी है ना उतनी ही इस सी की डिस्टेंस क्या है, बी से है, लेकिन अपने को क्या निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, अपने को क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब जैसे कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2,5, बी के कितने हैं 4,3, इस तरह से सी के कितने होंगे, और सी यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है जिसको क्या बोलते हैं हम, मिड पॉइंट। तो मैं आपको बताता हूँ आज आसान तरीका मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। आप पेपर में ऐसे लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ब्रैकेट डालो, बीच में क्या डालो, कोमा, क्यों, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं किसी भी पॉइंट के तो उसको लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है। -3,4 ब्रैकेट डाल के एक्स और वाई की वैल्यू लिखो और उनके बीच में क्या लगाओ, कोमा लगाओ, ये गलती कभी भी मत करना, ठीक है। आप क्या करोगे, देखो इसमें एक्स एक्स वाली दोनों वैल्यू को आपको ऐड करना है, एक वैल्यू कितनी है 2, एक वैल्यू कितनी है 4, 2+4 दोनों को ऐड करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। इसी तरह से जो वाई की वैल्यू है 5 और 3 दोनों को ऐड करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड, बस सिंपल फॉर्मूला है। 6/2 और 8/2 यानी कि 6/2 कितना होता है 3 और 8/2 कितना होता है 4, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हुई बात जब सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, प्लस की होगी, तब बच्चा इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम वही बात आपको कहाँ फेस करनी पड़ती है, जब कोई वैल्यू प्लस की आ जाती है और कोई वैल्यू माइनस की आ जाती है। जैसे मान लो ये है -3,4 और 5, मान लेता हूँ मैं -1, ये वैल्यू मान ली, और बताओ इसका सी अगर मिड पॉइंट है, अगर सी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। मैंने कहा आपको ये ब्रैकेट डाल के और आप बीच में क्या लगा दिया करो, कोमा। मेरा तरीका वही रहेगा, तरीका क्या है मेरा कि दोनों वैल्यू को जोड़ के, एक्स एक्स वाली, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे -3, यहाँ पे कितनी 5। आपको कोई कहे कि ऐसे करो ऐड -3 एंड 5, मैं अलग से सिखा रहा हूँ आपको पहले, ठीक है। इन दोनों नंबर को ऐड करना हो तो आप कैसे ऐड करोगे, एक नंबर कितना है -3, एक नंबर कितना है 5, दोनों को लिख दो और ऐड करना है तो बीच में साइन किसका लगा दो, प्लस का। अब कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि प्लस का 5 है तो पहले लिख लो, -3 है तो बाद में लिख दो, और 5 में से 3 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 2। तो ऐड करने का मतलब जो भी साइन उसके आगे है वही लेके चलना है, ठीक है।
थ्री के आगे माइनस का साइन है तो माइनस थ्री, फाइव के आगे प्लस का है तो प्लस फाइव, और अपॉन में क्या करते हैं टू, दोनों एक्स वाली वैल्यू को ऐड करके टू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे ही देखो ये फोर प्लस का है और ये वन माइनस का है, जो साइन है वही लेना है, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा टू। अब आप मेरे को बताओ, फाइव में से थ्री गया टू, टू बाय टू, और फोर में से वन गया थ्री, थ्री बाय टू, और टू बाय टू को क्या बोलते हैं वन, और इसको क्या बोलते हैं थ्री बाय टू, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे इंटीजर आपका प्लस का हो माइनस का हो, उससे आपको घबराना नहीं है, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि एक्स एक्स वाली दोनों वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है और दो से डिवाइड करना है, और वाई वाई वाली दोनों वैल्यू को ऐड करके टू से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हुआ अपना, जनरल फॉर्मूला ये मैं आपको बता देता हूँ। जनरल फॉर्मूले का मतलब है, जैसे मान लो ये दो पॉइंट हमने अपनी मर्जी से लिए थे, अगर मैं इसको लिखूँ एक्स वन कोमा वाई वन, और इसको लिखूँ मैं एक्स टू कोमा वाई टू, और सी क्या है इसका मान लो मिड पॉइंट है, सी अगर इसका मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कितने होंगे, मैं आपको वो बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, दोनों एक्स वाली वैल्यू को ऐड कर दो, यानी कि एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कर दो, और फिर क्या करो वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू कर दो। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सी के। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। फिर एक वर्ड जो इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो यूज होता है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं आज के लेक्चर में आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित। अगर मैं मान लो ये कहूँ कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं पहले आपको, एग्जाम्पल में हम इस तरह की बात पढ़ें, इफ़ पॉइंट ए या पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी, फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि हिंदी में बता देता हूँ मैं कि अगर कोई पॉइंट पी है जो दो पॉइंट ए और बी से बराबर दूरी पर स्थित है, तो इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। आप है ना, जब भी इक्विडिस्टेंट वर्ड आ जाए ना, आप ये डायग्राम बना दिया करो। ठीक है, मतलब कि पूरी ट्रायंगल नहीं बनानी, बस ये दो साइड बना दो, इसको ज्वाइन मत करो। कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंट है पी, किन किन दो पॉइंट से ए और बी से, ए और बी से, तो इसका क्या मतलब होता है कि पी की डिस्टेंस जितनी ए से है ना, उतनी ही पी की डिस्टेंस किससे है, बी से है, यानी कि ये और ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। आप इसको ऐसे समझ लो कि पी क्या है, एक सिटी है, पी क्या है, एक सिटी है, और ये भी क्या है, एक सिटी है, और ये भी क्या है, एक सिटी है, और ये जो पी सिटी है ना, ये जो पी शहर है, ये ए और बी दोनों शहरों से बीच में स्थित है। बिल्कुल, आप कहोगे जी ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। मान लो ये जो पी सिटी है ना, ये क्या है, फतेहाबाद है, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है। क्यों, ये जो ए सिटी है ये मान लो डिस्ट्रिक्ट है हिसार, और ये जो बी सिटी है ये है मान लो क्या, सिरसा। तो हम कह सकते हैं कि फतेहाबाद की डिस्टेंस जितनी हिसार से है उतनी ही क्या है, सिरसा से है। आप कहोगे जी ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे इसलिए पॉसिबल है कि मान लो यहाँ हम हिसार से चलना स्टार्ट हुए, हिसार के बाद क्या आएगा आपका, फतेहाबाद आएगा, और फतेहाबाद के बाद आपका क्या आएगा, सिरसा। तो लगभग हम कहते हैं कि जितनी दूरी फतेहाबाद की हिसार से है उतनी ही क्या है, सिरसा से है। तो हम क्या बोलते हैं कि फतेहाबाद इज द मिड पॉइंट ऑफ हिसार एंड सिरसा, समझ गए, मिड पॉइंट का जस्ट ये मतलब होता है, या फिर इसको कह दें कि फतेहाबाद इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम हिसार एंड सिरसा, यानी कि फतेहाबाद हिसार और सिरसा से समान दूरी पर स्थित है। तो आपको ये तो डायग्राम बनाना है, और आपको यूज क्या करना है फिर इस डायग्राम का, मैं अब आपको ये बता देता हूँ। जब भी इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन आ जाए ना, मेरी बात ध्यान से सुन लो, बस यही डायग्राम आपको बनाना है। ऊपर पी लिख दो, इसको ए लिख दो, इसको क्या लिख दो, पी। तो यानी आपसे कहा गया है कि पी की डिस्टेंस ए से, मतलब कि पी ए और पी बी दोनों क्या है, इक्वल है, पी ए और पी बी क्या है, दोनों इक्वल है। अब आप मेरे को बताओ, जब दो डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों का अगर मैं स्क्वेयर कर दूं, यानी कि पी ए स्क्वेयर और इक्वल होगा क्या पी बी स्क्वेयर, आप कहोगे जी स्क्वेयर क्यों किया। आपको पता है कि जब आप पी ए डिस्टेंस निकालोगे तो सबसे पहले क्या लगाते हो, अंडर रूट लगाते हो, है ना, जो भी आएगी, मान लो ये कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई, तो पी ए का स्क्वेयर कर दोगे तो ये 10 का, इसका स्क्वेयर कितना होएगा आपका, 10, यानी कि अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको इक्विडिस्टेंट का नाम आ जाए कहीं पे भी क्वेश्चन में, ये डायग्राम बनाना, पी ए इक्वल टू पी बी लिख देना,
और या फिर पी ए स्क्वेयर इक्वल टू पी बी स्क्वेयर लिख देना, बस उसके आगे अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं, दो फॉर्मूले आपके यूज होते हैं, ये सिर्फ एल्जेब्रा के फॉर्मूले हैं जो 8th क्लास में आपके आ जाते हैं, 8th क्लास में हैं, फिर 9th क्लास में हैं, ठीक है, और यही फॉर्मूले आपके 10th क्लास में आके यूज होते हैं। दो फॉर्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर और ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, फॉर्मूले क्या है इनका, यानी कि आंसर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ माइनस आ जाता है बस, माइनस के 2ab। तो ये दो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैं इनको कैसे ओपन करते हैं ये भी बता देता हूँ। जैसे एक्स प्लस 4 का होल स्क्वेयर आपको ओपन करना है, तो कैसे ओपन करोगे, देखो पहली टर्म क्या एक्स, इसका स्क्वेयर कर दो, दूसरी टर्म क्या फोर, इसका स्क्वेयर कर दो, बीच में साइन क्या लगाओ प्लस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए और इंटू में बी, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 4 2 8 8x, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। एक मैं माइनस वाला एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वेयर, ये कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, देखो वैसी वैसी फॉर्म है ना, बीच में माइनस है, तो क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 और 3 2 6, यानी कि माइनस के 6x, ये इसका क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, इक्विडिस्टेंट वर्ड का क्या मतलब है, क्वेश्चन आएंगे तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका होगा, ठीक है, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को आज आसानी से सोल्व कर देंगे। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको डिस्टेंस निकालनी है। पहला पार्ट में सोल्व करता हूँ, इसको ए नाम दे दो, 6,4 एक नंबर में आएगा आपके एग्जाम में और फ्री के नंबर है, आप ये समझ लो, कभी भी गलत हो ही नहीं सकते आप। ए बी कैसे निकालोगे, देखो मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस फॉर्मूले का सबसे अच्छा तरीका है यूज करने का, एक्स और एक्स वाली वैल्यू को देखो, दोनों के साइन देखो क्या है, ओपोजिट है या सेम है, आप कहोगे जी ओपोजिट है, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, जब भी ओपोजिट हो ना तो दोनों को क्या कर दो, बस आप ऐड कर दो, ठीक है, साइन को भूल जाओ, अपने दिमाग में साइन रखो ही मत, बस दोनों नंबर्स को ऐड कर दो 6 और 5 को, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाओ बड़ा बीच में, फिर देखो 4 और 3 माइनस 3 दोनों के साइन क्या है, ओपोजिट है, फिर वही बात ओपोजिट है तो बस 4 और 3 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, और इसका क्या कर दो स्क्वेयर, ये कितना हो गया 11 का स्क्वेयर, ये हो गया 7 का स्क्वेयर, ये होता है 121 और 7 का स्क्वेयर कितना होता है 49, तो इसको ऐड करोगे तो 170 का अंडर रूट यूनिट्स, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, ये तो आप कर ही लोगे, आसान क्वेश्चन है, इसको ए मान लो 17 और इसको बी मान लो माइनस 4 और 4, तो बताओ ए बी डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, फिर वही बात आगे देखो, ये प्लस ये माइनस, जब भी साइन ओपोजिट हो तो दोनों नंबर को क्या कर दो, ऐड कर दो, फिर एक प्लस दूसरा भी प्लस, सेम साइन हो तो दोनों को आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, और आपका आंसर आएगा 5, 5 का स्क्वेयर होता है 25, 3, 3 का स्क्वेयर होता है 9, यानी कि √34 यूनिट्स, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इससे आपके डिस्टेंस फॉर्मूले की रिविजन हो गई। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन कहता है, राइट एनी टू पॉइंट्स विच लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड टू पॉइंट्स विच लाई ऑन वाई एक्सिस। हालांकि ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, तब मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया, ताकि क्वेश्चन के अंदर जब ये चीज़ें यूज होएगी ना तो आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। अब ये दो पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस का मतलब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना, इस पूरी लाइन के ऊपर कहीं तक बढ़ा लो इसको, कोई भी पॉइंट होगा वहां पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, फिक्स, और वो क्या होगी, 0। यानी कि देखो ये पॉइंट है, इसमें एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना उस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0, ठीक है। अब आप कहोगे जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 2 होएगी,
यहाँ पे मान लो 4 है x, तो ये 4 0 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो -1 है तो ये पॉइंट -1 0 होएगा। यहाँ -3 है तो ये पॉइंट -3 0 होएगा। मतलब कि x तो चेंज होएगा लेकिन फिक्स क्या है यहाँ पे, y, y हमेशा क्या होगा 0। तो x क्या होगा, x को मैं x ही लिख देता हूँ और y को क्या लिख देता हूँ 0। तो अब ये बात ध्यान रखना, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पे y की वैल्यू क्या होगी 0 और x की वैल्यू क्या होगी x, यानी कि कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा ना, मतलब कि इस लाइन के ऊपर, देखो मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम में, इस लाइन के ऊपर ये y एक्सिस है ना, जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी हुई लाइन है जो, ये वाली लाइन, इसको y एक्सिस बोलते हैं। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना, उस पे x की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब कि पहले वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अच्छा y क्या होगा, y हमें पता ही नहीं है, y होगा जैसे y 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अगर आपको कहे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ तो आप बता देना आराम से, ये y एक्सिस पे है पॉइंट, y एक्सिस पे x क्या होता है फिक्स है 0 और y कितना है बताओ 5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे 0.4, इस पे 0.3, ये पॉइंट कौन सा है 0.2, ऐसे ये पॉइंट पूछे 0.-3, ये पूछे 0.-4। यानी कि देखो y एक्सिस पे मैंने आपको ये 6 पॉइंट लिख के दिखाए है ना, सभी के सभी पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 5, यानी कि चेंज हो रही है, कभी 5 है, कभी 4 है, कभी 3 है, कभी -4, कभी -3। तो ये 2 पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, कभी भी आपको x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेना हो या लेट करना हो, उसको क्या लेट करोगे 0x, कभी y एक्सिस पे पॉइंट 0 लेट करना हो तो 0.y, ठीक है। तो अब आपसे कहा है ऐसे 2 पॉइंट बता दो जो x एक्सिस पे लाई करते हैं, देखना मैंने कितने तो एग्जांपल दिए हैं, आंसर आपका क्या आएगा बताओ, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले कोई भी 2 पॉइंट, मैं कहता हूँ हजारों पॉइंट बता सकते हो, आपसे कितने ही पूछ ले। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे 0 होनी चाहिए बस, ठीक है, y को 0, x को कुछ भी रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, यहाँ पे क्या लिख दो 2 3 लिख दो, -3 लिख दो, ठीक है, -4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस y क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस पे, फिर आप लिखो पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं मैंने क्या बताया, वहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है आपकी 0, यानी कि पहले वाली वैल्यू को 0 रख लो, पहले वाली वैल्यू को आप क्या लिख लो 0 लिख लो, और दूसरे वाली वैल्यू को मैं कहता हूँ कुछ भी रख लो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है, 4 लिख दो, -3 लिख दो, -2 लिख दो, 3/5 लिख दो, जो भी कोई भी दिए नंबर आपका मन करे ना वो लिख दो, बस x की जगह क्या लिखना है आपको 0 लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहता है इफ क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 1, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने क्या आपको बताई थी लेक्चर के स्टार्टिंग में, कहीं पे भी इस चैप्टर में इक्वी डिस्टेंट वर्ड आ जाए ना, आपको बस यही डायग्राम बनाना है, ठीक है, और पहले वाला जो पॉइंट है इसको क्या लिखना है ऊपर, क्योंकि क्यू इक्वी डिस्टेंट है कहाँ से, इस पी से और इस आर से, पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बताओ 5.-3 और आर के कितने हैं x.6। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैंने क्या बताया था इन दोनों डिस्टेंस को क्या रख देना आप इक्वल, यानी कि P और Q की डिस्टेंस इक्वल है और Q और R की, यानी कि आर क्यू, या फिर इनका क्या कर दो स्क्वेयर कर दो। स्क्वेयर मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरे को स्क्वेयर रूट का यूज ना करना पड़े। अब आप बताओ मेरे को P की डिस्टेंस Q से हम कैसे निकालते थे, आप कहोगे जी जो एक्स एक्स वाली वैल्यू होती है ना उनको देखते थे और उनको आपस में क्या करते थे माइनस करते थे, है ना, 5 में से 0 प्लस करो चाहे माइनस करो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और इसका स्क्वेयर, फिर क्या देखते थे y वाली वैल्यू, देखो ये 1 है और ये -3 है, दोनों के साइन क्या है ऑपोजिट। मैंने क्या बताया था जब भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो ना तो बस उनके साइन को देखा करो कि x x वाली वैल्यू के साइन कैसे है और y y वाली वैल्यू के साइन कैसे है, इनके साइन क्या है ऑपोजिट, और जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो मैंने क्या कहा था साइन को इग्नोर कर दो और दोनों को क्या कर दो प्लस कर दो, 1 और 3 को क्या कर दो प्लस कर दो और इसका क्या कर दो स्क्वेयर। देखो अब मैं पहले क्या लगाता था स्क्वेयर रूट लगाता था ना, अब स्क्वेयर रूट नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये पी क्यू का क्या है स्क्वेयर है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब निकालो आप आर क्यू। अब आर क्यू देखो ये एक्स है और ये 0 है तो एक्स में से 0 क्या कर दो माइनस कर दो होल स्क्वेयर, ये 6 है और ये 1 है तो 6-1 का होल स्क्वेयर, अब खोल दो, 5 का स्क्वेयर होता है 25, ये होता है आपका कितना
16, और इसको लिखो आप एक्स स्क्वेयर, और ये कितना होता है आपका 25। देखो दोनों तरफ से 25 से 25 आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब छोटे बच्चों की तरह आप ये मत लिख देना कि x की वैल्यू बस ये रूट 16, साथ में हमेशा क्या साइन लगाना है आपको, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 4 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू या तो 4 होगी या कितनी होगी, माइनस 4, दोनों ही इस क्वेश्चन के क्या है, आंसर पॉसिबल है। आपको x निकालना था, तो x की कितनी वैल्यू आएगी, एक प्लस की 4 और एक माइनस की 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लो फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। अब की बार क्वेश्चन अलग है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको ये कहता है कि एक पॉइंट ये P है, एक पॉइंट ये Q है, P के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, Q के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आपसे कहता है ये P और Q जो दो शहर है ना, इन दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस है कितनी, 10 यूनिट्स या 10 किलोमीटर आप ये मान लो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ एक बार हम अपनी तरफ से निकाल लेते हैं ये डिस्टेंस पी क्यू। पी क्यू कितनी निकालते बताओ आप, स्क्वेयर रूट करते हो, क्या करते हो फिर, 2 और 10 दोनों के साइन क्या है, सेम। जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस करते हैं। फिर एक वाई है और एक माइनस 3 है। अब बताओ आप ये मान के चलो वाई प्लस का ही है, ठीक है, वाई तो प्लस का है और ये क्या है, माइनस का। जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो मैंने क्या कहा था, साइन को भूल जाओ और दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, यानी कि वाई प्लस में 3 कर दो, इसका होल स्क्वायर। अब ये बताओ मेरे को, ये जो डिस्टेंस पी क्यू निकल के आई है, ये क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 10, तो दोनों को क्या रख दो आप, इक्वल रख दो बस। अब सोल्व कर लो, 10 में से 2 क्या 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, हो गया। अब इसको ना ओपन मत करना, इसको इतना का इतना ही रखना बस, ये आ गया। अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयर, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम SBS, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर। देखो स्क्वेयर करने पे क्या होगा, जो ये स्क्वेयर रूट का साइन है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि स्क्वेयर रूट के साइन का अगर हम स्क्वेयर करते हैं तो वो स्क्वेयर रूट का साइन खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा साइन, बाकी सारी चीज़ें एच डी चलती रहेगी। अच्छा फिर इसका भी स्क्वेयर करना पड़ेगा, 10 का स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर कितना होता है, 100 होता है। इस 64 को उधर ले जाओ, y प्लस 3 का होल स्क्वेयर इधर पड़ा रहेगा, 64 को उधर ले, तो कितना हो गया आपका 36, यानी कि मेरा सॉल्यूशन क्या आ गया इस क्वेश्चन का, y प्लस 3 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 36। अब स्क्वेयर हटा दो, इधर से स्क्वेयर हटा के उधर शिफ्ट करोगे तो उधर जाके वो क्या होएगा, अंडर रूट। लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर स्क्वेयर हटाओगे तो साइन किसका आता है, प्लस माइनस का, यानी कि प्लस माइनस के 6, ठीक है। तो अब आप क्या करो, देखो एक बार y प्लस 3 को क्या लिखो, प्लस का 6, और एक बार y प्लस 3 को क्या लिखो, माइनस का 6, और यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, बताओ यहाँ से कितनी आएगी, 6 माइनस 3, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ से क्या आएगी, माइनस 6 माइनस 3, यानी कि माइनस के 9, तो y की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी बताओ, तो एक y की वैल्यू हो सकती है 3, या फिर क्या हो सकती है, माइनस के 9, तो इसमें से कोई भी वैल्यू रिजेक्ट नहीं करनी आपको, ठीक है, दोनों की दोनों वैल्यू क्या करनी है, एक्सेप्ट करनी है, और यहाँ पे दो आंसर होंगे, एक 3 एक माइनस 9। तो ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, दोनों ही पेपर के लिए आपके जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड आउट करो। देखो पॉइंट का क्या मतलब होता है, पॉइंट का मतलब होता है ऐसे 0.5 या 0.3 या 0.9, यही तो पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट आपको फाइंड करना है, और वो पॉइंट है कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। मैंने अभी आपको क्या बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, कभी भी आपको वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड करना हो तो उसको लेट करेंगे हम, और वो पॉइंट क्या लेट करेंगे, y एक्सिस पे। x की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, 0 फिक्स है, y क्या होता है, y पता ही नहीं, y को क्या मान लो, y मान लो, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। और मैंने क्या कहा था, जब भी इक्विडिस्टेंट नाम आ गया ना, बस आप अपने दिमाग में एक ही चीज डाल लो, ये फिगर बनाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम दे दो, P, और इस पॉइंट को नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को 6.5 और ये है -4.3। अच्छा अब ये जो P पॉइंट है ना, ये कहाँ पे है, ऑन Y एक्सिस, ये Y एक्सिस पे है, और Y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है जब भी, तो उसको हम क्या मानते हैं, 0.y मानते हैं, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, आप कहोगे जी P की वैल्यू A से, P
पी की डिस्टेंस ए से और पी की डिस्टेंस बी से क्या है, इक्वल है, या फिर हम कहें कि पी ए स्क्वेयर इक्वल है पी बी स्क्वेयर के। अब आप बताओ पी ए स्क्वेयर कैसे निकालोगे, पी और ए के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, वही तरीका बार बार एक ही चीज़, सिक्स में से जीरो माइनस करोगे तो सिक्स का स्क्वेयर, और ये y है और ये 5, आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को माइनस, यानी कि दोनों के साइन क्या है सेम है, देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, साइन जब सेम होते हैं तो आपस में क्या करते हैं इनको माइनस, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू। अब p से लेके b निकालो, देखो 0 और माइनस 4 दोनों के ऑपोजिट साइन है, दोनों को क्या कर दो प्लस कर दो, और y और 3 दोनों के सेम साइन है तो क्या कर दो माइनस कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या करना है, सिर्फ स्क्वेयर खोलना है, इसका स्क्वेयर होता है 36, इसका स्क्वेयर खोलो, देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस 2ab, यानी कि 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 10y, ये स्क्वेयर खोलना आपको आना चाहिए। इसका स्क्वेयर कितना होता है 16, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर फिर से ए स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर होता है 9 माइनस 2ab, यानी कि 2 3 6 6y ये आ जाएगा। अब इसको क्या कर लो, आप सोल्व कर लो, देखो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये कितना है 36, 25 और 36 आपका कितना हो गया 61, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 10y, और ये 16 और 5 9 कितना हो गया 25, प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6y। अच्छा दोनों तरफ से आप क्या करो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दो, ठीक है। अब 61 ये प्लस 25 है, इधर आके माइनस 25 कर दो, 5y वाली वैल्यू को एक तरफ कर दो, देखो माइनस 6y तो इधर ही है, ये माइनस 10y इधर शिफ्ट कर दो तो आगे क्या हो जाएगी प्लस 10y, 10y में से 6y गया यानी कि 10 में से 6 गया 4, और 61 में से कितने गए आपके 25, यानी कि कितने आ गए आपके 36, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 36/4 यानी कि 9, तो y का आंसर क्या आ गया आपका 9। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, बस यही आंसर छोड़ देते हैं y इज इक्वल टू 9। आप मेरे को बताओ क्या इसने हमारे से y की वैल्यू पूछी है, इसने तो पॉइंट पूछा है, पॉइंट क्या ऐसे होता है y इज इक्वल टू 9, आप कहोगे नहीं, तो पॉइंट तो कैसा होता है, दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक x का और एक y का, हमने क्या माना था 0, y, 0 तो 0 ही है लेकिन y की वैल्यू कितनी है 9, तो आपका ये आंसर है, ठीक है। एग्जाम में ये बॉक्स बना के और इस तरह से छोड़ोगे ना तो मैं कहता हूँ एग्जामिनर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, वो आपके नंबर काटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई बच्चा आंसर छोड़ेगा, ये क्वेश्चन आ गया मान लो 4 नंबर में, तो एग्जामिनर इसका एक नंबर फालतू में काट लेगा, सिर्फ इस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है कि पॉइंट पूछा है तो पॉइंट आपका इस तरह से होता है, ये शक्ल होती है पॉइंट की, ना कि वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपने सारी मेहनत कर ली और थोड़ी सी इग्नोरेंस की वजह से अगर आपका एक नंबर कट गया तो वो फिर गलत बात है, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो कुछ पूछा है एग्जामिनर ने आपको आंसर वही छोड़ना है, अपनी मर्जी से आंसर नहीं छोड़ सकते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे जो पॉइंट फाइंड करना है ना आपको, वो किस पे करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और आपको पता है एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू तो क्या होती है फिक्स है 0। अच्छा एक्स कितना होता है, एक्स पता ही नहीं, तो जो चीज़ नहीं पता उसको एक्स का एक्स ही मान लो, ठीक है। विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट, जब भी इक्विडिस्टेंट नाम का वर्ड आ जाए ना तो बस आप क्या किया करो, ये इक्विडिस्टेंट का डायग्राम है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे है ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे कभी भी आपको कोई पॉइंट लेट करना हो तो उसको क्या लेट करते हो, एक्स कोमा 0 करते हो, ये पॉइंट है आपका पी, सॉरी पी और क्यू तो क्वेश्चन में दे रखे ना, इसको आर मान लो, पी क्या दे रखा है आपको 2, -5, क्योंकि जो क्वेश्चन में नाम दे रखे हैं उनको हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, जो हम मानते हैं वो कुछ भी मान लो आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है कि पी की डिस्टेंस आर से और आर की डिस्टेंस क्यू से दोनों क्या है आपकी इक्वल, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है इक्वल। अच्छा स्क्वेयर कर दिया करो साथ साथ में, ताकि वो स्क्वेयर रूट का साइन आपको ना लगाना पड़े, ठीक है। स्क्वेयर करोगे तो आप मेरे को बताओ क्या आएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स और टू दोनों के आगे साइन क्या है प्लस के, तो आप क्या करोगे आपस में इनको माइनस, यानी कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर, और देखो ये 0 0 होना तो इसको छोड़ दिया करो, बस इसका आप क्या कर दिया करो सीधा स्क्वेयर कर दो, है ना, चाहे 5 का स्क्वेयर करो चाहे -5 का, उससे कभी फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे ही ये देखो, ये x के आगे प्लस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन, तो दोनों के साइन क्या हो गए ओपोजिट, और जब साइन ओपोजिट होते हैं तो मैंने क्या कहा था, साइन को इग्नोर कर दो और दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, ठीक है, एक्स और टू को क्या कर दो ऐड कर दो बस, और ऐसे ही फिर 0 0 को छोड़ दो, और ये कितना हो जाएगा 9 9 का स्क्वेयर। अब हम इसको करेंगे सोल्व, देखो स्क्वेयर खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, यानी कि 2 का डबल कितना होता है 4 4x, इसका स्क्वेयर होता है 25,
इसका स्क्वायर खोल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में कितना आएगा 81। अब देखो दोनों तरफ से जो वैल्यू कटती है ना पहले उसको काट दिया करो, एक्स स्क्वायर कट गया दोनों तरफ से, प्लस का 4 प्लस का 4 कट गया, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या होता है आपका छोटा हो जाता है। अब देखो एक तरफ कर लो वैल्यू को माइनस 4x, ये बच्चे कई बार है ना ये साइन भूल जाते हैं, 4x लिख देते हैं भाई, 4 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस के साइन को आप छोड़ोगे नहीं कभी भी, ठीक है। ये हो गया, एक्स एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ कर लो, ये माइनस 4x हो जाएगा इधर आके, और 25 को उधर शिफ्ट कर दो, ये कितना हो गया 56। माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8x, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, और एक्स की वैल्यू क्या होगी इसको 8 से डिवाइड करो यानी कि माइनस के 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 7, लेकिन मैंने क्या कहा था इतना ही आंसर नहीं छोड़ना, ठीक है। आपको लिखना है सो पॉइंट इज इक्वल टू, आपने पॉइंट क्या माना था बताओ, एक्स कोमा 0 माना था ना, ये रहा, ठीक है। पर हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली माइनस के 7, तो माइनस 7, 0 ये आपका क्या होगा क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन और सेवन्थ क्वेश्चन आपके जो है ना दोनों के दोनों एग्जामिनेशन के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्कुल आसान है, आपको निकालना क्या है मिड पॉइंट निकालना है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, मैंने आपको जब एग्जाम्पल करवाए थे मिड पॉइंट फॉर्मूले के तो समझा दिए थे सारे चीज़ें। ये पॉइंट कितना 5, -6 और ये पॉइंट कितना -1, -4। तो सी मान लो इसका क्या है आप मिड पॉइंट मान लो, तो आप मेरे को बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हम क्या लिखते थे, ब्रैकेट लगाओ कोमा लगाओ, ठीक है। इन एक्स एक्स वाली दोनों वैल्यू को प्लस करना है यानी कि 5 और -1 को ऐड करोगे तो जो साइन है जिसके आगे वही लिखना है, 5 के आगे प्लस तो प्लस का 5, 1 के आगे माइनस तो माइनस का 1, और 2 से क्या कर दो डिवाइड, ठीक है। इसके आगे माइनस का साइन तो माइनस, इसके आगे माइनस का साइन तो माइनस, यानी कि प्लस करने का मतलब होता है साइन को चेंज नहीं करना, जो साइन है ना वही का वही यूज कर लो, ठीक है। 5 में से बन गया 4, देखो -10, ये -6 और -4 कितना होता है -10, अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, 4/2 कितना होता है 2, 10/2 कितना होता है 5, यानी कि -5। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर, आई थिंक दूसरा क्वेश्चन भी आप निकाल लोगे बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना। अब इसमें देखो ये कॉन्सेप्ट आप सीख लो, ये जो चार पॉइंट्स है ना ये कहता है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, तो पी की वैल्यू बताओ, जो ये पी दिखाई दे रहा ना इसकी वैल्यू, आप एक कॉन्सेप्ट अपनी नोटबुक में नोट कर लो और आपके पेपर में जैसे चार कोड आएंगे बोर्ड में, चार में से 100% कम से कम 3 कोड में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और आपके एनसीईआरटी बुक में दो ही क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल है एक क्वेश्चन है, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये नोट कर लो बस कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा पैरेललोग्राम वाला आपका पूरे मैथमेटिक्स के अंदर एक ही चीज़ आपको यूज करनी है सिर्फ, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ए बी सी डी मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। आपको क्या यूज करना है, देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इसके दो डायगोनल होते हैं, ये इसके दो डायगोनल होते हैं, और दोनों डायगोनल आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ए सी एंड पी डी बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है समद्विभाजित करना, और समद्विभाजित का मतलब होता है मैथमेटिक्स में कि ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा जो बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट होगा आपका पी और डी का, यानी कि इसका क्या मतलब है मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ पी डी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर के अंदर जैसे कभी भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप क्या लिखोगे, सिंस सिंस लिख दो या बिकॉज लिख दो, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम सो, आप सीधा लिख देना मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होगा किसके, मिड पॉइंट ऑफ पी डी के, बस उसके बाद आपको मिड पॉइंट निकालना आता ही है। मिड पॉइंट के लिए क्या करते हो, ब्रैकेट लगाते हो कोमा लगाते हो, इक्वल ब्रैकेट लगाओगे कोमा लगाओगे, और इसका मिड पॉइंट निकाल देना, इसका मिड पॉइंट निकाल देना, दोनों को इक्वेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, अब क्या करो पैरेललोग्राम बना लो, मतलब कि रफ फिगर, रफ बनानी है आपको, ठीक है। अच्छा ये जो पॉइंट्स दिए होते हैं ना लिखा आएगा टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है आप इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, जैसे आपने यहाँ पे ए लिख दिया तो बी को या तो यहाँ लिखोगे या यहाँ, मतलब कि ऐसे जाओगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज ए फिर बी फिर सी फिर डी, या फिर क्लॉकवाइज ए से बी बी से सी और सी से डी, ऐसे नहीं जा सकते कि ए यहाँ लिख दिया
पी यहाँ लिख दिया, फिर सी यहाँ लिख दिया और डी यहाँ लिख दिया, तब आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा गलत आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद डाल लो, ए बी सी डी, एंटी क्लॉकवाइज जाया करो, कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने देखो, 6.1, ये कितने हैं 8.2, इसके कितने हैं 9.4, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं P.3। तो मैंने आपको क्या बताया, आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन किस में आएगा, आपका सब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अगर आपको बिल्कुल पूरे नंबर चाहिए मैथमेटिक्स में तो ये लाइनें आपको स्किप नहीं करनी, सब कुछ लिखना सीखो, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, दोनों के मिड पॉइंट क्या है, सेम है। मिड पॉइंट का मतलब ब्रैकेट लगाओ कोमा लगाओ, इक्वल का साइन, ब्रैकेट लगाओ कोमा लगाओ। अब बताओ मेरे को, आप ए सी का मिड पॉइंट अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालते थे, ए से लेके सी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों जो एक्स वाली वैल्यू है ना उनको आपस में जोड़ दो, एक 6 है और एक 9 है, 6 + 9 और 2 से क्या कर दो डिवाइड, फिर दोनों वाई वाई वैल्यू देखो 1 और ये कितनी है 4, 1 + 4 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही आप किसका निकालोगे, बी डी का मिड पॉइंट निकालोगे, निकालो देखो P+8 डिवाइड बाई 2, फिर कितना है 3 + 2 डिवाइड बाई 2। अब आप क्या करो, ये कितना होता है 15/2, ये कितना होता है 5/2, इक्वल टू P+8/2 और ये कितना हो गया आपका 5/2। देखो दो पॉइंट जब इक्वल होते हैं ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब ये होता है कि इसकी जो वाई वाई वाली वैल्यू है ना दोनों की, वो भी सेम होनी चाहिए और जो एक्स वाली है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम। आप कहोगे जी वाई वाली तो दिख ही रही है, ये 5/2 है, ये भी 5/2, तो हम क्या कर देंगे, दोनों जो एक्स वाली वैल्यू है उनको भी क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। ठीक है, यानी कि 15/2 को हम इक्वल रख देंगे किसके, पी प्लस में 8/2 के। आप सीधा क्या किया करो, ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो नीचे वाला। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, P+8 = 15, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 15 - 8 यानी कि 7, और आपसे P पूछा था, फाइंड P, तो P का आंसर कितना आ गया आपका 7। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर ओरली आपको आंसर पता करना हो इसका कि आंसर क्या होता, तो मैं आपको उसकी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो जिस बच्चे को समझ आई ना वही समझना, बाकी इसको मत सुनना। आप ये किया करो, पी कहाँ पे मौजूद है, देखो एक्स की जगह मौजूद है ना ये, इन दोनों को आप क्या करो, ऐड करो P+8। डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ आंसर पता करने की, ठीक है, 2 वगैरह कुछ मत लगाओ, ये पी और इस 8 को जोड़ दो, और ये एक्स वाली जगह पे है तो इसकी भी एक्स वाली जगह को दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि 6 + 9, तो कितना आ गया, P+8 = 15, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 15 - 8 यानी कि 7। बस सीधा आप क्या निकाल सकते हो आंसर, देखो यही मैंने निकाला। लेकिन आप ये मत समझना कि पेपर में ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया या 4 नंबर का आ गया और आप ऐसे कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। एग्जामिनर हो सकता है आपको आधा नंबर दे दे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर दे दे, बस इससे ज़्यादा नंबर नहीं देगा। ठीक है, हाँ अगर 1 नंबर में आ गया तब तो आपको सीधा लिख सकते हो, लेकिन अगर 4 नंबर में आएगा या 2 में आएगा तो आपको फिर पूरा इस तरह से सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर आपके नंबर कहाँ पे काट सकता है और कहाँ पे आपको फुल मार्क्स देगा। अब देखो इसी क्वेश्चन का ये दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वही है कि ये 4 जो है ना पैरेललोग्राम के वर्टिसेज है जिनको ऑर्डर में लिया गया है, तो आपको यहाँ पे 2 वैल्यू बतानी है, एक एक्स की और एक वाई की। तो अब क्या करो, पैरेललोग्राम का रफ डायग्राम बना लो, पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ए ये बी, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने देखो 1.2 और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 4.y और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके x.6 और डी के कोऑर्डिनेट्स आपके कितने हैं 3.5। तो मैंने क्या बताया, जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, आप ए की लाइन रट लो, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी और ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो देखो ए सी का मिड पॉइंट यानी कि ब्रैकेट लगाओ कोमा लगाओ इक्वल टू ब्रैकेट लगाओ कोमा लगाओ। अब देखो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, ए सी का मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप क्या करते हो, दोनों एक्स वाली वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करो और दोनों वाई वाली वैल्यू कितनी है देखो 6 + 2 डिवाइड बाय 2 करो। ऐसे ही बी डी का मिड पॉइंट निकालो, ये रहा बी डी, देखो बी डी का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 3 + 4 डिवाइड बाय 2 और 5 + y लिख दो या y + 5 लिख दो डिवाइड बाय 2। बस आगे आंसर आपका x + 1/2 और देखो ये 8/2 है, इसको 4 मत लिखना, इसको 8/2 ही लिख दो। ठीक है, आसान पड़ेगा क्वेश्चन। ये 7/2 और ये कितना है y + 5/2,
अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो पॉइंट्स इक्वल हो, ये दोनों पॉइंट्स इक्वल है ठीक है, तो इसमें ये एक्स एक्स वाली दोनों वैल्यू को आप क्या रख दिया करो, इक्वल रख दिया करो, यानी कि आप क्या रखोगे एक्स प्लस 1/2 इक्वल रखोगे 7/2 के, और वाई वाई वाली दोनों ये वैल्यू इसके इक्वल रखो ठीक है, ये कितनी है 8/2 और ये कितनी है वाई प्लस में 5/2। मैंने क्या बताया था पिछले एग्जाम्पल में, ये नीचे 2 से 2 क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो, कितना आ गया फिर एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 7, एक्स कितना आएगा 7 - 1 यानी कि 6, और यहाँ से वाई प्लस 5 कितना आ गया 8, तो वाई कितना आएगा 8 - 5 यानी कि 3, वाई कितना आ गया 3, और आपसे क्या पूछा था एक्स और वाई की वैल्यू, तो लास्ट में क्या करना बॉक्स बना के, तो एक्स को क्या रखना 6 और वाई को क्या रखना 3, और इसके बाहर यहाँ पे कॉर्नर में लिखना आंसर ठीक है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये दोनों पैरेललोग्राम के क्वेश्चन थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के। अब ये देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर दिस। एक रोम्बस, रोम्बस क्या होती है समचतुर्भुज, जिसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल, लेकिन कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। तो मैं आपको इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ जो 8th क्लास में आपके आता है, लेकिन कोई बात नहीं आपको याद नहीं भी होगा तो मैं याद करा दूंगा। चार वर्टिसेज लेने हैं लेकिन ऑर्डर में लेने हैं, कभी भी आप लिखा आए चाहे ना ठीक है, इनको ए बी सी डी मान के ऑर्डर चेंज नहीं करना, आप एंटी क्लॉकवाइज चला करो ठीक है हमेशा, या क्लॉकवाइज, लेकिन जब चलना ही है तो फिर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलने की आदत डाल लो, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अच्छा ये रोम्बस है, रोम्बस क्या आप मेरे को बताओ क्या आप दोनों डायगनल निकाल सकते हो? अगर मैं कहूँ आपसे कि ए सी की लेंथ निकाल के दिखाओ आप मेरे को ये डायगनल ठीक है, तो आप निकाल दोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्या होती है ए सी बताओ, अंडर रूट लगाओ, ये 3 और -1 दोनों के साइन क्या है ओपोजिट, ओपोजिट साइन है, तो मैंने क्या कहा था साइन को भूल जाओ और दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो ठीक है, स्क्वेयर कर दो प्लस, ऐसे ही 0 0 हो तो फिर उसका स्क्वेयर ही कर दिया करो सीधा, तो ये कितना आ गया बताओ 4 का स्क्वेयर 16 और ये 16। अच्छा 16 + 16 को है ना आप चाहे 32 लिख दो चाहे इसको 16 × 2 लिख दो, ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि 16 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 4 4√2, इसका क्या आ गया आंसर, ये क्या आ गया आपका ए सी। अब क्या निकालो ऐसे ही बी डी निकालो, ये रहा देखो बी डी, बी से लेके डी इसकी लेंथ निकाले, देखो ये 4 है ये -2 है, साइन क्या है ओपोजिट, तो जब साइन ओपोजिट होते हैं तो दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, फिर ऐसे ही ये 5 + 1 तो ये कितना हो गया 6 का स्क्वेयर यानी 36 + 36, इसको 36 × 2 लिखो है ना, और 36 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 6 और √2 आ जाएगा। दोनों क्या निकाल दिया आपने डायगनल निकाल दिया, यानी कि डायगनल की लेंथ निकाल दी ए सी की भी और बी डी की भी। अब एरिया ऑफ रोम्बस का आप फॉर्मूला नोट कर लो, एरिया ऑफ रोम्बस आपने 8th क्लास में शायद पढ़ा हो, रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता था, दोनों डायगनल यानी कि D1 × D2 फर्स्ट डायगनल इंटू सेकेंड डायगनल करके और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो ठीक है। तो देखो फर्स्ट डायगनल की लेंथ कितनी आई 4√2, सेकेंड की लेंथ कितनी आई 6√2, दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दो डिवाइड ठीक है। अब आप मेरे को बताओ √2 × √2 क्या होता है 2 होता है, और ये नीचे भी क्या है 2 कट गया, 6 × 4 = कितना आ गया 24 24 स्क्वेयर यूनिट्स, इस क्वेश्चन का क्या आएगा आपका आंसर ठीक है। एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वेयर यूनिट्स में आता है, इसलिए पूरी चीज लिखो आंसर क्या आएगा आपका लास्ट में लिखना, एरिया इज इक्वल टू 24 स्क्वेयर यूनिट्स, और इस कॉर्नर में क्या लिखो आंसर लिखो, बस ऐसे छोड़ना है। जब भी बोर्ड का कोई भी एग्जाम दो ना तो यानी कि सजा सजा के लिखो, लास्ट में आंसर को ऐसे हाईलाइट करो ताकि एग्जामिनर जब पेपर चेक करने बैठे तो उसका सबसे पहले ध्यान यहाँ पे जाए ठीक है, और ये आंसर सही होगा ना तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 50% चांस ऐसे होते हैं कि आपको आंसर देख के नंबर देता है एग्जामिनर ठीक है। बीच वाली जो ये चीज़ें चेक करते हैं ना, वो अगर आपकी सारी भी गलत होगी ना तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इन 50% केसेस, टीचर ऐसे चेक करते हैं। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं बस वो थोड़ी थोड़ी नज़र मारेंगे कि इसने यहाँ पे लिख क्या रखा है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो वो इग्नोर कर देगा और आपके नंबर पूरे देगा ठीक है। तो आपको आंसर हमेशा जो है ना वो सही इस फॉर्मेट के अंदर लिखना है, लेकिन तभी लिखना है जब आपको आंसर उसका 100% कन्फर्म हो। अगर आपको कहीं लगता है कि आंसर डाउटफुल है फिर मत लिखना, क्योंकि आपने ये बॉक्स बना के आंसर लिख दिया और आंसर आपका गलत आ गया तो एग्जामिनर इसको देख के काटा भी मार सकता है ठीक है। फिर यहाँ पे आपने सही भी किया होगा ना थोड़ी बहुत चीज़ें, उसके भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो यानी कि आंसर 100% कन्फर्म होगा तभी बॉक्स बनाना है। आप सोचोगे कन्फर्म कैसे होगा, भाई हरियाणा बोर्ड की आप पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे तो स्टेटमेंट भी चेंज नहीं होती, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, और इतने सारे क्वेश्चन आपको मैं बार बार करवा रहा हूँ तो आपको आंसर जो है ना रटे जाएंगे। अब ये देखो ये दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल,
एक सर्कल बना लो, पहले हम बाद में पढ़ेंगे चीज़ें, आप एक सर्कल बनाओ। इस सर्कल के अंदर देखो क्या होता है, ये मान लो इसका डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं व्यास, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज डायमीटर आर दिस एंड दिस, ये डायमीटर है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने बताओ, 3, -10 और 1, 4। अगर आपको सर्कल की छोटी सी भी बात पता है कि सेंटर क्या होता है, केंद्र, सेंटर क्या होता है आपका केंद्र, हिंदी में बोलते हैं केंद्र, सेंटर जो होता है ना वो इस पूरे डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होते होता है, यानी कि मान लो ये आपका डायमीटर है कितना 6, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटर होता है अगर मान लो ओ, तो ये भी कितनी है 3 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर होता है जो बिल्कुल मिडल में स्थित होता है इस पूरे डायमीटर के, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ सेंटर मान लो सी है आपका, तो सी क्या है इसका मिड पॉइंट है, तो सी इज द, आपको डायग्राम बनाना है ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और मिड पॉइंट फॉर्मूला तो अपने पढ़ा ही है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कैसे निकालते थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इक्वल टू ब्रैकेट लगाओ और क्या करो कोमा लगाओ बीच में, दोनों एक्स वाली वैल्यू को जोड़ दो, 3 + 1/2 और ये -10 + 4 जो है वही रखना है, ठीक है। ये कितना हो गया 2, 4 में से 10 गया -6, -6 को 2 से डिवाइड करोगे -3, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक। बिल्कुल आसान था, सेंटर निकालना है और सेंटर हमेशा क्या होता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है, नोट कर लो इस पॉइंट को। सेकंड पॉइंट देखो, इसमें क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, इसमें देखो डायग्राम तो वही है, सर्कल का जब भी क्वेश्चन आएगा ना इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे यही पूछा जाएगा सिर्फ, ये सर्कल है और एक इसका हमारे को क्या गिवन होगा, डायमीटर गिवन होगा, इसको नाम क्या दे दो आप, ए बी नाम दे दो। देखो डायमीटर के दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको ए और बी दोनों की वैल्यू दे देगा और क्या पूछ लेगा सेंटर, तो आप सीधा मिड पॉइंट निकाल देना, आपका आंसर आएगा। लेकिन अब की बार इसने क्या दे दिया, सेंटर भी बता दिया, ठीक है, और बी पॉइंट भी बता दिया, ए पॉइंट पूछ लिया इसने, तो हम फॉर्मूला मिड पॉइंट ही लगाएंगे। लेकिन कैसे को देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ, वेयर ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर है बना दिया मैंने, एंड सेंटर इज दिस, यानी कि ये जो पॉइंट है ना सी, ये सेंटर है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे को पता है अब की बार बता दिए, एंड बी इज 1, 4, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1, 4, ए के नहीं पता, ए के नहीं पता तो इसको क्या मान लो आप, एक्स कोमा वाई मान लो। अब आप मेरे को बस ये बता दो कि आपको अगर मिड पॉइंट निकालना होता, सी के कोऑर्डिनेट निकालने होते तो आप कैसे निकालते, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आप कैसे निकालते बस ये बताओ, ब्रैकेट लगाते कोमा, एक्स प्लस में 1/2 ये लिखते, फिर वाई प्लस में 4/2 यही तो लिखते, और मैं कहता हूँ इस सी के कोऑर्डिनेट तो क्वेश्चन वाला भी बता रहा है हमारे को, तो दोनों को क्या कर दो इक्वल, यानी कि इसकी जगह कितना लिख दो 2, -3 इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 और वाई प्लस 4/2। अब बस खत्म क्वेश्चन। अब मैंने क्या बताया था, जब भी दो पॉइंट इक्वल हो तो उसकी एक्स और एक्स वाली वैल्यू को क्या रखा करो इक्वल, तो देखो एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 2 और दोनों की वाई वाई वाली वैल्यू को क्या रखा करो इक्वल, ये रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप सीख लो अच्छे से, कैसे करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 1 की 1 से करेंगे और 2 की 2 से करेंगे 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 - 1 यानी कि 3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो y प्लस 4 और 2 - 3 - 6, y की वैल्यू कितनी आ गई -4 - 6 यानी -10, लेकिन आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे क्या पूछा है पॉइंट, तो आप क्या करोगे बॉक्स बना के लिखोगे a, देखो x की वैल्यू कितनी आई 3, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, ये आपका क्या आएगा आंसर, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले -10 लिखे के 3, पहले क्या लिखते हो हमेशा पॉइंट में x की वैल्यू, फिर क्या लिखते हो y की वैल्यू, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन हमने करे जिसमें सारे के सारे डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और सारे मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं सर्कल पे और एक तरह का क्वेश्चन बनता है पैरेललोग्राम के ऊपर, जहाँ पे मिड पॉइंट की क्या होती है एप्लीकेशन यूज होती है, ठीक है। तो ये थे टेस्ट नंबर 5 के 11 अच्छे क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।